आप सब भाई हो सब अच्छे होंगे और आज आप लोग बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और हमारे और सिद्धि के तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं और इनके तरफ से भी बोल दीजिए आप भी। मेरे तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं और ये गिफ्ट है। तो दोस्तों अभी तो है सब गया है पार्टी मनाने, देवर जी भी गए हैं पार्टी मनाने और पूजा भी गई थी पार्टी मनाने के लिए। पूजा आ गई है और देखिए मेरे लिए क्या लेकर आई है, दिखाइए तो क्या लेकर आई है, हम खोले भी नहीं है उसमें क्या लेकर आई है आपको दिखाते हैं। खोलिए रबड़वा, देखते हैं इसमें क्या है। ओ पेस्टी है। और ये भी कुछ लाए हैं मेरे लिए मार्केट गए थे, ये देखिए क्या लेकर आए हैं। ये वाला ये खाने वाला है, खा रहे थे ना, क्रीम है इसके अंदर, वही बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम तो पार्टी मनाने नहीं गए, घर ही पर ही चलिए पार्टी मना लेते हैं। और आपको तो पता ही आज दिन में बना था पुआ पूरी बना था और यहाँ पे है जो मतलब चिकन नहीं बनता है जनवरी में, 5 जनवरी का चिकन नहीं बनता है, यहाँ का रिवाज है। शाम को बनेगा पकौड़ी, शाम को अभी हम लोग टीवी देखेंगे और ये सारा चीज खाएंगे, पेस्टी है और ये सब सारा चीज है। तुम भी खाएगी बेटा? तो ये जो है ये सुबह का है, हम बना रहे हैं पुआ बना रहे हैं, सुबह वाला सुबह में बना था पुआ और रोटी पूरी बना था और आलू दम और बाद दादाजी के लिए टमाटर का चटनी बनाए थे। तो अभी मतलब हम नहाए भी नहीं थे सुबह में, खाना वाना बना कर खा कर उसके बाद नहाए थे, तभी बिना नहाए धोए ही खाना में लग गए थे सुबह सुबह। आ ना ना असिधि है इधर, हमको परेशान कर रही है। हाँ 1 जनवरी का बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है दोस्तों, ठंडा में बच के रहिएगा और अपने बच्चों को ही बचा के रखिएगा ठंडा में। ये हम लोगों को इतना ठंडा लग रहा है तो सोचिए बच्चा को कितना ठंडा लगेगा। और ये है जो ये शाम का टाइम हो गया है तो अभी हम चाय बना रहे थे, आज का तो दिन बहुत ही खराब गया मेरा क्योंकि सुबह सुबह हो गया था, मेरे हस्बैंड जी से झगड़ा हो गया था लेकिन शाम तक होते होते मतलब कि सब सही हो गया। हमारे छत पर आज बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब कि बोलते हैं ना, मतलब आज धूप भी नहीं निकला था और मतलब हवा भी ज्यादा चल रहा है। ये देखिए पेड़ का जो पत्ता है, सारा पेड़ का पत्ता हिल रहा है। और इधर देखिए हम दो दो स्वेटर पहने हैं, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है। और जूता मोजा देखिए, जूता मोजा सब पहन लिए है क्योंकि ठंडा से बचना है, शरीर को बचाना है ठंडा में, जितना है घर में कपड़ा है सब पहन लो ठंडा से बचना है। और हम जा रहे हैं एक और टोपी लगाएंगे, ये थोड़ा पतला है रुमाल वाला, इसमें ठंडा नहीं जा रहा है। देखते हैं बोला हमारा टोपी वहाँ पे रखा है, इसको भी पहन लेते हैं। और छत पे आए हैं ये देखिए, सारा कपड़ा हटा लेते हैं। और देखिए अभी से मतलब धुंध गिरने लगा, ये हो गया और ऊपर से इसको ऐसे पहन लेते हैं, हो गया ना। अब मेरे को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, ये देखिए सारा कपड़ा धोया, मतलब सूखा भी नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा लेट कपड़ा धोए थे आज। वो क्या है ना, खाना वाना बनाने में हमको ज्यादा टाइम हो गया तो कपड़ा सूखा नहीं होगा, ये भी अभी यूज ही नहीं सूखा है किसी का, तो अभी देखिए पानी पी रही, मतलब कि इसको निचोड़ के नहीं पसार थे इसीलिए नहीं सूखा है। देखते हैं जो जो सूख गया है उसको नीचे लेकर जा रहे हैं। तो ये हो गया है अभी शाम का टाइम और शाम का बनने वाला था पकौड़ी,
तो सारा छत पे का कपड़ा लेकर आ गए और चाय भी बना दिए थे दादाजी के लिए। तो प्याज छील रहे हैं कि सिर्फ मतलब कि 4 आदमी का ही बनाना था। देवर जी तो खाए ही नहीं थे, मतलब दिन सुबह से ही गए थे, अभी तक नहीं आए थे घर पे, शाम हो गया था। पार्टी मनाने गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो हम थे और दादाजी और हस्बैंड जी और पूजा थी, बस 4 आदमी का ही पकौड़ी बनाना था। थोड़ा सा ही आलू चाप नहीं बनाए थे क्योंकि दिन में पूरा छानल उनल चीज़ खाया था, तो इतना खाने का नहीं मन कर रहा था। छानल ऐसे ही बना रहे थे पकौड़ी। और यहाँ पे देखिए इतना मतलब कि ज़्यादा नया वाला प्याज था, तो बहुत ही आँख में लग रहा था प्याज, हम आंसू पूरा मेरे आँख में आ गया था, बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। पुराना वाला प्याज रहता है तो इतना नहीं लगता है, नया नया प्याज था तो वही लग रहा था आँख में। अरे तो उधर धुआं भी दादाजी आग लगाए थे वहाँ पे बरांडा में, तो धुआं भी लग रहा था और प्याज वाला भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ कमरा गड़ने लगा। और उसके बाद हम इधर छान रहे गर्मा गर्म पकौड़ी। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है ज़्यादा नहीं बनाए थे, टाइम ही नहीं मिला हमको, इतना आज काम ही रहता है, बनाओ खाओ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे जो था मतलब कि तेल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, तो पकौड़ी डाले तो मोबाइल का जो कैमरा था उसी पे सारा मतलब वाफ चला गया, तो इसीलिए देखिए कितना मतलब धुंधला धुंधला हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पूरा मतलब कैमरा में ही चला गया था पूरा बाफ, तो पूरा धुंधला धुंधला हो गया। मिलते हैं।